आज का हमारा टॉपिक मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिनको डिमांड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई आता हो। तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, मीनिंग की बात करेंगे। सबसे पहले मार्केट इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है, एक सिचुएशन है वेयर, जहां पर मार्केट डिमांड किसके बराबर आ जाएगी बेटा, मार्केट सप्लाई। यानी अगर आपको डिमांड सप्लाई नहीं आता तो मार्केट इक्विलिब्रियम में दिक्कतें आने वाली है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन, मार्केट इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है जहां पर मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बराबर हो जाएगी। यानी देयर इज नो एक्सेस, नो एक्सेस डिमांड और नो एक्सेस सप्लाई। यानी मार्केट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पर ना तो ज्यादा डिमांड होती है ना ज्यादा सप्लाई, एक ऐसा पॉइंट जहां दोनों बराबर हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम। अब इसी में बेटा थोड़ा सा मैं इसका शेड्यूल बनाकर आपको दिखाता हूं, शेड्यूल बनाकर आपको दिखाता हूं। शेड्यूल बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नोट आपको पता होना चाहिए। आपको पता है जब जब प्राइस घटता है तब तब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई घट जाती है, आप सभी को पता है। प्राइस घटने से डिमांड बढ़ती है और सप्लाई घट जाती है, ये आप सभी को पता है, नहीं पता बताओ। या इसका दूसरा पॉइंट मैं ले लूं कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है, पता है आप सबको, बताओ ये पॉइंट, ये चीजें पता नहीं पता। यानी डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है और सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, सभी बच्चे इससे अवगत हैं, सभी बच्चों को पता है। तो सिचुएशन हम पढ़ रहे हैं तो शेड्यूल देखिएगा। सबसे पहले मैं प्राइस ले रहा हूं, एक तो एक मार्केट डिमांड ले रहा हूं, एक मार्केट सप्लाई ले रहा हूं। मान लो प्राइस ले लिया मैंने 5, 4, 3, 2, 1, ये मेरा प्राइस हो गया। अब मुझे बताओ बेटा प्राइस घटने पर डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। मान लो 10, 20, 30, 40, 50, ये मेरी डिमांड क्या होगी, बढ़ गई। लेकिन सप्लाई क्या होती है, प्राइस घटने पर सप्लाई घटती है। मान लो 50, 40, 30, 20, 10। अब मुझे बताओ मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई कौन से प्राइस पर आया, मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई कौन से प्राइस पर आया बेटा, जल्दी से बताओ। मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई कहां पर बराबर आया है, फटाफट बताइए बेटा, किस प्राइस पर आया है, 3 रुपीज पर। कहां पर आया बेटा बराबर, 3 रुपीज पर। जो ये 3 रुपीज है ये हो जाएगा बेटा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या हो जाएगा ये, इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये क्वांटिटी बराबर आई है, इन क्वांटिटी को बोला जाएगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यानी जिस प्राइस पर बराबर आया दैट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और जहां पर बराबर आया जितनी क्वांटिटी और जिस प्राइस पर आया दैट प्राइस नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। अब मैं बात करूं तो यहां तो मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया बेटा, मार्केट इक्विलिब्रियम। बट यहां पर अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ देखकर कि सप्लाई ज्यादा है डिमांड ज्यादा है, जल्दी बताइए बेटा, मार्केट सप्लाई बड़ा है या मार्केट डिमांड बड़ा है। सर सर मार्केट सप्लाई बड़ा है, तो ये पॉइंट हो गया एक्सेस सप्लाई। क्या हो गया यहां पर, सप्लाई ज्यादा है। लेकिन यहां देखो तो मैं सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो ये हो जाएगा एक्सेस डिमांड। क्लियर है यहां तक, बातें क्लियर है। हाँ सर, एक छोटा सा पॉइंट और कर्व और बनाते हैं।
इसका हम क्या बनेंगे बेटा, क्योंकि मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स में कर होने जरूरी हैं, कर नहीं होंगे तो दिक्कतें आती हैं। तो कर देखिएगा, नीचे हम ले लेते हैं क्वांटिटी, यहां पर ले लेते हैं प्राइस। क्वांटिटी यूनिट्स में और प्राइस लेते हैं बेटा रुपीस में, 20, 10 ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40 and 50, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। बराबर कहां आया था, 3 पर आया था, 3 रुपीस पर आया था और 30 यूनिट्स पर आया था। डिमांड का कर्व आप जानते हैं, ये मेरा डिमांड कर हो गया, मार्केट डिमांड, और सप्लाई का कर्व भी आप जानते हैं, ये मेरा मार्केट सप्लाई का कर्व हो गया। मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो मेरा मार्केट इक्विलिब्रियम होगा, वो मेरा मार्केट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक, अब बेटा इससे ऊपर जो पॉइंट है 5 और 4 पर हमारी क्या थी बेटा, एक्सेस सप्लाई। तो ये हो गया एक्सेस सप्लाई, और जो प्राइस 1 और 2 था इसमें क्या था, एक्सेस डिमांड। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मार्केट इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है जहां पर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई हो, और मार्केट में ना तो डिमांड ज्यादा हो ना सप्लाई ज्यादा है। आफ्टर दैट उसका शेड्यूल बना देंगे, शेड्यूल के हिसाब से आप क्या बना देंगे कर। ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा कॉन्सेप्ट था, सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से कॉपी करें, सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट बताएं, फटाफट बताएं क्या सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब एक प्रॉब्लम आती है बेटा, अब प्रॉब्लम आती है, क्या आती है प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम आती है, एक प्रॉब्लम आती है एक्सेस डिमांड की, एक प्रॉब्लम किस चीज की बेटा, एक्सेस डिमांड। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है बेटा, एक्सेस सप्लाई। ना तो मेरी सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए ना मेरी डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो दिक्कतें होंगी, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम तो तब आता है ना तो एक्सेस डिमांड हो ना एक्सेस सप्लाई हो। अगर ऐसा हुआ मुझे बताओ, अगर डिमांड ज्यादा हुई तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा आ रही है तो क्या कर दिया जाए, अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा आ रही है तो क्या करूं बेटा। मान लो फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर मेरे पास है, इसकी डिमांड ज्यादा आने लगी तो क्या करूं मैं, इसके प्राइस का बढ़ाऊं या घटाऊं, जल्दी बताओ। जो मेरे पास प्रोडक्ट है उसकी डिमांड अगर ज्यादा आने लगे तो मैं प्राइस बढ़ाऊं या घटाऊं, जल्दी बताओ बेटा, फटाफट बताइए। बढ़ाएंगे, वेरी गुड सुमित बेटा, अगर किसी चीज की तो बढ़ा दो, बढ़ा दो तो धीरे धीरे डिमांड कम होने लगेगी, डिमांड कम होने लगेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, और ये काम तब तक करना है जब तक डिमांड किसके बराबर ना हो जाए, सप्लाई के बराबर ना हो जाए, जब तक ये डिमांड सप्लाई के बराबर ना हो जाए, वेरी गुड बेटा। लेकिन राजा बेटा अगर ऐसा हो, प्रॉब्लम कौन सी खड़ी हो जाए, एक्सेस सप्लाई की, मेरे पास बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, वो बिक नहीं रहा तो क्या करूंगा बेटा, प्राइस का क्या करूंगा, जल्दी बताओ। मेरे गोडाउन में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, वो बिक नहीं रहा, तो बिक नहीं रहा तो क्या करूं, समर रज कशिश अमन गुड इवनिंग बेटा, लेट आए हैं आप, बताओ बेटा क्या करूं, गोडाउन में सामान पड़ा बिक नहीं रहा, क्या करना चाहिए मुझे अपने प्राइस को कि सामान बिक जाए, क्या करूं राजा, अपने प्राइस कम कर दूं, कम करूंगा तो सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ने
लगेगी। ये काम तब तक करो जब तक डिमांड सप्लाई के बराबर ना हो जाए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, फटाफट जल्दी से इसे कॉपी करिए, जल्दी से इसे कॉपी करो, इसे कॉपी कर लीजिए। और मार्केट इक्विलिब्रियम में एक पॉइंट होगा, अभी दिखा देता हूं मैं आपको, देखिएगा ये पॉइंट है बेटी, यहां डब्बा पड़ा हुआ है एक्सेस डिमांड का, इस डब्बे में ये सारी चीज उतार लीजिए, ये वाला प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी। और इसी के नेक्स्ट पेज पर आप जाएंगे तो एक्सेस सप्लाई का डब्बा पड़ा होगा ऊपर, ये एक्सेस सप्लाई का डब्बा है, इस डब्बे में ये वाले सारे पॉइंट, प्राइस घटा सप्लाई घटी डिमांड बढ़ी, डिमांड तब तक बढ़ानी है जब तक डिमांड सप्लाई के बराबर ना हो जाए। जल्दी से फटाफट करिए, फटाफट 30 सेकंड मैं आपको दे रहा हूं। कर लिया कॉपी बेटा? चलिए चलिए बेटा, अब आप इसके सेकंड, इस चैप्टर के सेकंड लास्ट पेज पर आइए, हम कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, एप्लीकेशंस या फिर टूल्स। किस चीज के बेटा? डिमांड एंड सप्लाई कर्व, कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ टूल्स हैं डिमांड एंड सप्लाई कर्व के। इस चैप्टर के सेकंड लास्ट पेज पर जल्दी से फटाफट कुछ एप्लीकेशंस टूल्स हैं डिमांड और सप्लाई के। इस चैप्टर में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो यही इंपॉर्टेंट है। एक है बेटा प्राइस सीलिंग, प्राइस सीलिंग। अनदर वन इज प्राइस फ्लोर, प्राइस फ्लोर। एक प्राइस सीलिंग है, दूसरा प्राइस फ्लोर है, एक प्राइस सीलिंग दूसरा प्राइस फ्लोर। क्लियर है बेटा? एक प्राइस सीलिंग और एक प्राइस फ्लोर। बताओ बेटा, कॉपी कर लिया ना जो उससे पहले पढ़ाया, वो समझ में आ गया? जो प्राइस सीलिंग होती है बेटा, गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होती है वो डायरेक्ट इंटरवेंशन करती है। क्या करती है अभी चलो पहले बाद में बात करेंगे, सीलिंग का मतलब पढ़ते हैं पहले। सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है वो क्या लेती है बेटा? डायरेक्टली, डायरेक्टली बेटा। प्राइस सीलिंग में गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरवेंशन करती है, गवर्नमेंट क्या करती है? डायरेक्ट दखलंदाजी देती है। या मैक्सिमम और फ्लोर का मतलब हो गया बेटा मिनिमम। फ्लोर का मतलब क्या हो गया? मिनिमम, मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। लेकिन यहां गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं होती, इनडायरेक्टली अफेक्ट डालती है, डायरेक्टली इंटरवेंशन नहीं करती, इनडायरेक्टली करती है। तो पहला बताओ, यानी दोनों रेट फिक्स करती है, एक मैक्सिमम प्राइस और एक मिनिमम प्राइस। जब मैक्सिमम प्राइस फिक्स करती है गवर्नमेंट किसी चीज के, तो क्या होता है? जब मैक्सिमम प्राइस फिक्स करेगी वो क्या होगा बेटा? जल्दी से बताओ, मैक्सिमम होगा प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर क्या होगा? मिनिमम। क्लियर है? यहां तक मीनिंग बताओ पहले, क्लियर हुई मीनिंग? मीनिंग क्लियर हुई?
कॉन्सेप्ट हो गया। अब गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों होगी? क्योंकि मार्केट में किसी चीज की शॉर्टेज हो जाती है। अगर गवर्नमेंट में किसी चीज की क्या हो जाए, शॉर्टेज, किसी चीज की शॉर्टेज हो जाए, तो बेटा जब शॉर्टेज हो जाती क्या होने लगता है बताओ जल्दी से। जब मार्केट में किसी चीज की शॉर्टेज हो जाएगी तो क्या होगा? मार्केट में किसी चीज की अगर शॉर्टेज हो गई तो जल्दी से बताइए क्या होगा? जल्दी बताइए क्या होगा? अगर मार्केट में किसी चीज की कमी हो गई तो उसके प्राइस बढ़ेंगे, सामान कम मिलेगा, ये तो मिलेगा, प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जब प्राइस बढ़ जाएंगे तो जो गरीब वीकर सेक्शन है सोसाइटी का वो सामान नहीं खरीद पाएगा। अब बताओ जब किसी चीज की शॉर्टेज है और प्राइस बढ़ेंगे तो क्या गरीब जो सेक्शन है, पुअर्स पीपल्स हैं, क्या सामान खरीद पाएंगे? हाँ या ना, जल्दी बताओ, हाँ या ना। दवाइयां महंगी हो गई, केरोसिन महंगा हो गया, वीट महंगा हो गया, राइस जो बेसिक नेसेसरी चीजें हैं वो महंगी हो गई, क्या गरीब सेक्शन महंगी चीजें खरीद पाएगा? हाँ या ना, बोलिए बेटा। जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो वीकर सेक्शन नहीं खरीद पाता, तब बेटा गवर्नमेंट भगवान का रूप लेकर प्रकट होती है और कहती है कि कोई भी बंदा इस दाम, एक दाम तय कर देगी, उस दाम से ज्यादा कोई दाम तय नहीं कर सकता, भले ही मार्केट में शॉर्टेज क्यों ना हो। दूसरा, जब मार्केट में क्या हो जाती है, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। ब्लैक मार्केटिंग, मार्केट में क्या हो गई, ब्लैक मार्केटिंग। सब जानते हैं वह क्या होता है ब्लैक मार्केटिंग, कोई बच्चा बताएगा ब्लैक मार्केटिंग का मतलब? ब्लैक मार्केटिंग का मतलब जब शॉर्टेज हो रही है, शॉर्टेज और किसकी वजह से होती है बेटा? ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजार, लोग बागो मार्केट में सामान ना पहुंचाकर अपने पास कब्जा लेते हैं, अपने पास रखते हैं, जब प्राइस बढ़ता है तब मार्केट में सामान निकालते हैं, तो इसको भी क्या कहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग। तो शॉर्टेज को कंट्रोल करने के लिए, शॉर्टेज करने के लिए लोग बाग क्या करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जो क्वांटिटी होती है वो दबा कर रख लेते हैं और मार्केट में क्या करते हैं, बेचते हैं, जब प्राइस क्या हो जाते हैं, ज्यादा। कालाबाजारी का पता है सबको, व्हाट मीन बाय ब्लैक मार्केटिंग? ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है, मार्केट में किसी चीज की शॉर्टेज करवा देना और जब प्राइस बढ़े तब मार्केट में ले आना, उस चीज को भी गवर्नमेंट रोकती है। और बेटा थर्डमन, हर चीज को नहीं रोक सकती, इसलिए गवर्नमेंट क्या देती है, राशनिंग करती है। क्या करती है? राशनिंग। राशनिंग मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। राशन की दुकान जानते हैं सब लोग? हाँ है ना, बताइए। राशन की दुकान, फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, कुछ फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, राशन की दुकानें होती हैं, जो वीकर सेक्शन मार्केट से नहीं खरीद पाते उन्हें सस्ते दामों पर राशन की दुकानों से बेसिक एसेंशियल चीजें मिल जाती है। येल्लो कार्ड तो सबने देखा होगा, राशन कार्ड देखा होगा सभी बच्चों ने। तो गवर्नमेंट बेटा प्राइस सीलिंग तब करती है, प्राइस सीलिंग का मतलब हो गया मैक्सिमम प्राइस, एक तय कर दिया, उस प्राइस से ज्यादा दाम कोई तय या मार्केट में आपसे अगर कोई ले रहा है तो गैर कानूनी हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट फॉर एसेंशियल, हर चीजों के लिए नहीं, किसके लिए? फॉर एसेंशियल कॉमोडिटीज, हर चीज के लिए नहीं, जो एसेंशियल चीजें हैं वीकर सेक्शन को बचाने के लिए। और यहां पर हो जाएगी फॉर प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर्स, स्पेशली फार्मर्स की बात होती है, इसको सपोर्ट प्राइस भी कह दिया जाता है, यानी प्राइस फ्लोर को ही सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। पहले यहां पर बताइए ये चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देगी, उस दाम से ज्यादा कोई मार्केट में दाम नहीं बेच सकता। डायग्राम देखिएगा इसका, डायग्राम देखिएगा बेटा, ये मेरी डिमांड है, ये मेरी सप्लाई है, ठीक, नीचे क्वांटिटी, यहां पर हम प्राइस ले लेते हैं,
अब जल्दी से बेटा मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट ने तय कर दिया ये इक्विलिब्रियम आ रहा था, ये क्या आ रहा था इक्विलिब्रियम, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया तय कर दिया कि इस प्राइस से ज्यादा, इस प्राइस से ज्यादा कोई दाम तय नहीं करेगा, ये तय कर दिया। यानी इक्विलिब्रियम से नीचे ये क्या होता है, बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट, प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से नीचे होता है इसका प्राइस, नोट करने वाली बात है। गवर्नमेंट ने कह दिया भले ही आपका दाम यहां पर आ रहा हो लेकिन बेटा इस प्राइस से ज्यादा दाम कोई नहीं रख सकता, तो ये सिचुएशन बनेगी, दैट सिचुएशन इज नोन एज प्राइस सीलिंग। यानी एक मैक्सिमम दाम तय कर दिया, कोई भी बंदा इस दाम से ज्यादा दाम तय नहीं कर सकता, भले ही मार्केट में इक्विलिब्रियम कहां आ रहा हो, ई पर आ रहा हो पी पर आ रहा हो, लेकिन गवर्नमेंट ने जो दाम तय कर दिया उस दाम से ज्यादा दाम कोई मार्केट में आपसे नहीं ले सकता। ये प्रोटेक्ट करती है बेटा वीकर सेक्शंस को, इसे प्रोटेक्ट करती है, यहां लिख देते हैं, टू प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि महंगी चीजें मार्केट में नहीं खरीद पाएगा वो। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? ठीक है, प्राइस फ्लोर है, प्राइस फ्लोर का दूसरा नाम सपोर्ट प्राइस भी होता है, सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं, क्योंकि फार्मर्स को चीजें प्रोवाइड कराना सस्ते दामों पर, तो इसको सपोर्ट प्राइस कह दिया जाता है। यहां शॉर्टेज होती है और यहां क्या हो जाता है बेटा सरप्लस, यहां शॉर्टेज थी यहां पर सरप्लस। जब आपके पास ज्यादा सामान हो जाएगा वो बिक नहीं पाएगा, गुड्स क्या रह जाएंगे अनसोल्ड रह जाएंगे, कोई खरीद नहीं रहा होगा, तो क्या आप चीजों का प्रोडक्शन करोगे? जब आपके पास पहले से सरप्लस पड़ा हुआ है, गुड्स अनसोल्ड है, क्या आप प्रोडक्शन करोगे, हाँ या ना? आप एक प्रोड्यूसर हैं, आपने प्रोडक्शन किया था पहले, बहुत सारा सामान सरप्लस में बचा पड़ा हुआ है, अनसोल्ड पड़ा हुआ है, क्या आप और प्रोडक्शन करेंगे? जल्दी बताइए, क्या आप लोग प्रोडक्शन करेंगे? नहीं करेंगे। और जब प्रोडक्शन नहीं करेंगे क्या लोगों को नौकरी पे रखोगे? जब आपकी कंपनी प्रोडक्शन कर ही नहीं रही क्या लेबर्स को नौकरी पे रखोगे? बताओ, लेबर को नौकरी पे रखोगे क्या? बताओ, नहीं रखोगे। जब लेबर को नौकरी पे नहीं रखा क्या उसको तनख्वाह मिल पाएगी? क्या उसको तनख्वाह मिल पाएगी? इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी फिर गरीबी हो जाएगी। तो प्रोड्यूसर एंड लेबर्स, प्रोड्यूसर्स को भी और लेबर्स का, दोनों को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है जी। दूसरा बफर स्टॉक, बफर स्टॉक भी एक प्रॉब्लम है इसकी। मान लो आपने बहुत सारा, एक किसान है, मैं किसान हूं बेटा, मैंने बहुत प्रोडक्शन किया, बहुत प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन किया, सरप्लस हो गया, लेकिन मेरे पास ना सामान को रखने का गोडाउन नहीं है, क्या वो सामान बाहर पड़ा पड़ा खराब नहीं होगा? मैंने प्रोडक्शन करा, गवर्नमेंट ने कहा करो प्रोडक्शन, हम खरीद लेंगे, मैंने इतना प्रोडक्शन कर दिया, इतना प्रोडक्शन कर दिया कि मेरे पास गोडाउन नहीं है, क्या वो सामान पड़े पड़े खराब नहीं होगा? बोलिए, बोलो बेटा, जो आपका सरप्लस था वो बफर स्टॉक यानी पड़ा पड़ा सामान क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? इन केस में, इस केस में मुझे क्या होगा? नुकसान होगा। इस नुकसान से ही बेटा मुझे बचाने के लिए मेरी गवर्नमेंट आएगी, क्या आएगी? मेरी गवर्नमेंट आएगी। तो बफर स्टॉक होता है जो आपका सरप्लस है उसको क्लियर करने के लिए, आपका जो सरप्लस था उसके लिए बफर स्टॉक का प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है। क्या डिजाइन किया जाता है बेटा? बफर स्टॉक का प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है, ठीक। उसके बाद आपको नुकसान अगर हो जाता है तो सब्सिडीज, गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है आपको? सब्सिडीज। जो किसान होते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उन्हें चीजें सस्ते दाम पर, जो खाद होता है, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, सीड्स, ये सारी चीज किस दाम पर मिलती है? सस्ते दामों पर। तो आपको चीजें सब्सिडी पर मिल जाएं, सब्सिडी होती है छूट, एक होता टैक्स लगाना, एक होता सब्सिडी, छूट। अगर चीजें सस्ते में मिलेगी तो आप प्रोडक्शन क्या करोगे? ज्यादा करोगे नहीं करोगे? बता, अगर गवर्नमेंट आपको छूट दे दे क्या आप चीजों का प्रोडक्शन करोगे या नहीं करोगे? करेंगे सर। चलिए अब इसका भी डायग्राम देखिए,
नीचे आउटपुट यूनिट्स में, यहां पर प्राइस ले लेते हैं रुपीज में, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ये सप्लाई ये डिमांड। तो गवर्नमेंट एक फिक्स करती है बेटा, आप चीजों का प्रोडक्शन नहीं कर रहे, गवर्नमेंट ने कहा कितना दाम तो मैं आपको दे दूंगी, तो ये पॉइंट जो बनेगा ये बनेगा प्राइस फ्लो, यानी ये पॉइंट क्या हो गया बेटा, प्राइस बिलो सॉरी अबव द इक्विलिब्रियम, ये प्राइस क्या होता है अबव। अब मुझे बताओ गवर्नमेंट कह रही है आप प्रोडक्शन करो तो सही, हम आपको मिनिमम इतना दाम दे देंगे, जब आपको मार्केट में दाम ज्यादा मिलेगा क्या आप प्रोडक्शन नहीं करोगे बताओ, जब मार्केट में आपको दाम ज्यादा मिलेगा क्या आप प्रोडक्शन नहीं करोगे, हाँ या ना जल्दी बताइए, प्रोडक्शन करोगे या नहीं करोगे। करेंगे करेंगे सर, वेरी गुड। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर का, काफी बार 3 से 4 नंबर का पूछ लिया जाता है, डिस्टिंग्विश भी आ सकता है और शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है। ये दोनों डायग्राम बनाइए बेटा, प्राइस सीलिंग के बाद ये डायग्राम, प्राइस फ्लोर के बाद ये डायग्राम, ये प्राइस सीलिंग का है और ये प्राइस फ्लोर का है, जल्दी से डायग्राम बनाइए। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, कल पढ़ेंगे हम लोग चेन इफेक्ट इसी चैप्टर का, कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए, कुछ पूछना हो तो पूछिए, जो बच्चे लेट आए थे वो दोबारा देखिए क्लासेस। आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। चलिए बाय बाय।